कुछ नहीं कहूं। अच्छा ओके ओके, मैं तो ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं। मैं तो बस जिस बीच में जहां जहां तबला ट्यून हो रहा है उतने टाइम में विजय जी मुझे अलाउ कर रहे हैं, मैं जरूर बोलूंगा। और अब एक ऑडियो विजुअल में तबला को इतने मीठे अंदाज में हम सुनेंगे, और साउंड डिजाइन जो पंचमदा की स्पेशलिटी थी, फिल्म सेंटर का जो मिक्सर था खास, उनके सजेशन से मंगाया गया था, क्योंकि हर एक इंस्ट्रूमेंट को खुद मिक्सिंग में वो चैंपियन थे। तो ये क्लैरिटी हम तबला की इसमें सुन पाएंगे बिफोर द नेक्स्ट सॉन्ग। रियल ट्रीट फ्रॉम डॉक्टर अजीत देवल एंड टीम, जोरदार तालियां, क्योंकि ये तो हमें बहुत ही रेयर चीज है, शायद किसी ने सुना भी नहीं होगा। बिफोर आई फॉरगेट आई मस्ट थैंक अजय जी, अजय शेठ, इज अ इंसाइक्लोपीडिया ऑफ आरडी बर्मन, और ये लॉट ऑफ वीडियोज एंड ऑडियोज आर गिवन बाय हिम टू मी। वी डिस्कस्ड अबाउट दिस शो सो मेनी टाइम्स, हम लोगों ने कम से कम 50 बार बात की। इट्स ऑल क्रेडिट गोज टू अजय जी फॉर ऑल द हेल्प, ऑल द advice, all the visuals and whatever he sends me. Thank you. बिल्कुल सही सरनेम है, जो अमीर आदमी तो वो शेठ ही होता है, अजय शेठ। थैंक यू सो मच। और दिल पड़ोसी है एक ऐसा नॉन फिल्म एल्बम गुलजार साहब और पंचमदा का, आशा जी का, जिसकी मतलब पंचम के रियल फैंस जो है उसे एंजॉय करते हैं। ये जो रिदम है, ये मैं तो नहीं बता सकता, शायद हमारे रिदम के चैंपियन बता सकते हैं कि ये कितने मात्रा का क्या है ताल। ये 8.5 मात्रे तो ताल है, आणि मारुतीराव जी ने हा अगोदर बनवून ठेवलेला ताल, आणि पंचमदाना सांगितलं कि ये ऐसा लगना चाहिए कि गाना सिंपल लगना चाहिए, लेकिन ताल सामान्य आदमी को भी ऐसा गिनने के लिए ऐसी लगना नहीं चाहिए, गाना बहुत अच्छा लगना चाहिए, लेकिन 8.5 मात्रा में ये कंपोज होना चाहिए ऐसा। मतलब कंपोजिशन में भले ही एक चैलेंज हो, लेकिन सुनने वालों के कानों के लिए वो खूबसूरती उन्होंने बरकरार रखी। दिल पड़ोसी है, शैलजा सुब्रानी। Oh.
इस गाने के लिरिक्स का भी एक अलग मजा है, झूठे तेरे नैन। इसका एक इंटरप्रिटेशन ये भी माना जाता है कि नॉट झूठे बट झूठे, यानी जो खाने का झूठन होता है वैसे, यानी जो नैन जो है वो मुझसे नहीं मिले हैं पहले, ये सौतन से मिलके आ रहे हैं, इसीलिए वो झूठे नैन है। तो ये गुलजार साहब के
साहब के शब्दों का भी कमाल है। अच्छा हुआ कि संजय लीला भंसाली साहब ने गाना सुना नहीं था, वो भी म्यूजिक डायरेक्टर बने हैं, फिल्मी काशी भाई के लिए उन्होंने जरूर इस्तेमाल किया होता, नॉट फॉर द ग्रेट ओरिजिनल, बट अच्छा हुआ, थैंक्स टू संजय जी। और इस बार फिल्म फेयर अवार्ड में शायद वो विदाउट च्यूइंगम गए थे अवार्ड लेने के लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो एनी वे, गम और च्यूइंगम की बातें बीच बीच में इसलिए ला रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको भी मेरे बारे में भी पता चले कि मैं भी यहाँ पे हूँ, और थोड़ी बहुत ये रिदम मेरे लिए भी ऐसे ही। एनीवे, हाँ अब सेट हो गया है तो मैं अब एक और बार बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ सागर सावरकर पेश करने जा रहे हैं ये गीत, लेकिन उससे पहले हम एवी में देखेंगे कि एक बैकग्राउंड म्यूजिक में पंचमदा और उनकी टीम एंड स्पेशली मारुति राव कीरसा व्हेन इट कम्स टू रिदम क्या कमाल करते थे। हम सोच भी नहीं सकते थे कि फिल्म शोले के एक बहुत ही टेंस सीक्वेंस में, जहां पे बसंती अपने तांगे के साथ दौड़ रही है, जान की बाजी लगा रही है, डाकू इतने सारे खूंखार पीछे लगे हैं, ऐसे सीन के लिए कोई भी उस जमाने का ट्रेंड होता उसके हिसाब से जबरदस्त ड्रम्स या अलग अलग सारे इंस्ट्रूमेंट्स भर देते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तबला का इस्तेमाल किया गया है। दो तबले इस्तेमाल किए गए, मारुतिराव कीरसा भी और कुछ दिग्गज भी इसमें लोगों के मन में आते हैं, पंडित सामता प्रसाद जी का नाम आता है जिसकी जानकारी ऑफकोर्स दिग्गज लोग ही कन्फर्म कर पाएंगे, इसीलिए मैं बहुत सेफ रहता हूँ, इसीलिए काला कोट पहना हुआ है, और सेफ रहना मेरे लिए अच्छा है क्योंकि सामने दादा बैठे हैं। तो इस एबी में देखेंगे किस तरह से बैकग्राउंड म्यूजिक में मारुति राव जी का कमाल था। क्या बात है बसंती, तुम मुझे पहले से पसंद थी, कबर ये हाथ मुझे दे दे, ये हाथ मुझे दे दे, कम से कम मारुति राव जी के रिदम के लिए तालियां बजाने के काम आएंगे। कबर आओ ठाकुर आओ, अब आया उन पहाड़ के नीचे, बहुत खूब, आज तुम जैसे दिग्गजों के लिए सारा जमाना याद करता है और तालियां बजाता है, क्योंकि फिल्म शोले हम सब कलाकारों के साथ साथ इस पंचम के म्यूजिक के लिए भी उतना ही मशहूर रहा, am I right? थैंक यू। और फिर आप कहेंगे अरे ये आदमी बहुत सारी बातें करता है। आगे बढ़ते हैं और म्यूजिक और कॉमेडी का इस्तेमाल जिस गाने में जिस फिल्म में हुआ वो गाना तो आप जानते हैं, फिल्म का नाम वो है जो हर भारतीय पुरुष का अधूरा सपना है, और सागर सावरकर पेश करेंगे वो मशहूर गाना तो है ही, लेकिन ये गाना भी उतना ही कमाल का है। सागर श्रीकांत तेरे ले लो तेरे ले लो तेरे लो गलत किया जी, हिंदी में गाता हो सावरिया
अयो अटकी रे अटकी रे अटकी हो हो आओ वांगो आओ सावरिया हाँ सावरिया आओ 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 सावरिया जागो सारी रतिया सोचो तोरी बतिया जागो सारी रतिया सोचो तोरी बतिया तोरी बतिया बतिया तोरी बतिया हाँ हाँ तोरी बतिया अजी तोरी बतिया तोरी बतिया तोरी जागू तारी रतिया सोचो तोरी बतिया आंसू में तोरी सांस की डोरी अयो अटकी रे अटकी रे अटकी हो हो मांगो मांगो ओके जब महमूद साहब की बात आती है तो सबसे बड़ा सलाम उनको क्योंकि पंचमदा को हम सबको उन्होंने दिया एक बार जोरदार तालियां द ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट महमूद साहब नॉट ओनली जस्ट एन एक्टर और अ कॉमेडियन बट अ ग्रेट विजनरी जिन्होंने पंचमदा के साथ कार रेसिंग के लिए जाते जाते देखा था कि पंचमदा की उंगलियां कमाल करती जा रही है रिदम बजाती जा रही है तो पहचान लिया कि दादा बर्मन के सुपुत्र भी आने वाले प्रिंस है और किंग है तो ये एक पहचानने वाली जो नजर है वो महमूद साहब ने साहब में रही उन्होंने बड़े बड़े दिग्गजों को ब्रेक दिया है और ये उनका उपकार हमेशा रहेगा और जब महमूद साहब की बात आती है तो मैं अजय मदन साहब की भी एक याद आपको बताना चाहूंगा कि 1990s में अजय मदन जी ने एक एल्बम महमूद साहब की याद में पेश किया था उनके गानों का एक नॉन स्टॉप मिक्स जिसमें महमूद साहब के डायलॉग्स भी थे और गाने भी उन्होंने उस वक्त के मशहूर गायकों से गवाए थे और महमूद साहब की आवाज जो है डायलॉग्स है वो हमारे बहुत ही अच्छे मित्र और हमारे इंडस्ट्री के बहुत ही सुपर टैलेंटेड श्री चेतन शशितल जी ने वो डायलॉग्स पेश किए थे उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां ये एल्बम अब कहीं भी अगर यूट्यूब पे भी अवेलेबल हो है अवेलेबल है तो जरूर आप सुनिए और अब एक डेमो सेशन हम करने जा रहे हैं जिसमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स और उनका एज अ सोलो इफेक्ट कैसे इस्तेमाल किया गया वैसे हम इन गानों को सुनते हैं और अच्छा लगता है लेकिन उसके डिटेल एनालिसिस में कभी जाते नहीं लेकिन ऐसे म्यूजिशियंस जब हमारे साथ हैं तो मजा आएगा दीपक बोरकर साहब एक डेमो अब देना चाहते बेसिकली वी वांट टू शो कि मारुति राव जी ने एक परकशन इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे सोलो जगा दी गानों में चार बार हो या आठ बार हो तो एक एक ऐसा ही एक इंस्ट्रूमेंट है परकशन इंस्ट्रूमेंट ये दीपक जी ये आपको दिखाएंगे ये पंचमदा ने एक गाने में सोलो करके यूज किया ये बाल्टी है पानी है और एक और ये साउंड हम लोग आपको ऑडियो विजुअल में सुनाएंगे अभी आफ्टर आफ्टर ही प्लेस दिस सो ऐसे ही रेसो रेसो ट्राइंगल्स ऐसा सबको यूज किया Thank you.
you listen this same sound in this audiovisual. हम हो के दीवाने आए हैं, आए हैं, दिल की ये बात लाए हैं। और अब विजय शिवकर से रिक्वेस्ट है मारुति राव जी के पट्ट शिष्य, जो एक खास गाने के बारे में आपको बताएंगे कि उस गाने के जन्म की कहानी क्या है। भाई ने आशा दादा से खूब प्रयत्न के लिए छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट, आता दीपक दादा ने दाखवलं की टोल पाण्यामध्ये वाजवायचा, त्याच प्रकारे हातोडीचा पण वापर केलाय तबल्यावरती। मी भाईंबरोबर स्टुडिओ मध्ये जात असायचो आणि घरी पण जेव्हा जेव्हा जायचो प्रश्न खूप विचारायचो मी ते भाईना, हे गाणं कसं काय केलं असेल, ते भाई मला सांगायचे हे सांगू नको कोणाला, म्हणजे एवढे ते प्रामाणिक होते स्वतःच्या कामाशी। आणि एका गाण्याबद्दल मला सांगितलं होतं त्यांनी की गावचे कधी कधी ते चिजा ऐकवायचे भाई पंचमदाला, तर ते ऐकता ऐकता पंचमदा कशी त्याच्यातून चाल निर्माण करायचे, ते गावचे मंगळाष्टका लग्नामध्ये करतात ना मंगळाष्टका, ती मंगळाष्टका भाईनी ऐकवली होती पंचमदाला, ती अशी आली लग्न घटी समीपनवरा घेवोनिया पाघरा करवटे बदलते रहे सारी रात हम आपकी कसम आपकी कसम। या प्रकारे पंचमदा त्याच्यावरती कंपोजिशन करायचे। क्या बात आहे, मंगलाष्ट ऐकून खूप जणांना घाम फुटलेला आहे, पण आता तो घाम पुसण्यासाठी आपण पुढच्या काही डेमोज कडे वळूया आणि काही आठवणींपासून दूर जाऊया। नाउ हाउ वी यूज्ड ट्रायंगल एज अ सोलो पीस इन अ सॉन्ग। ओ हसीना जुल्फो बांधी जाने ढूंढती है काफिर आके किसका निशान, ओ हसीना जुल्फो बांधी जाने ढूंढती है काफिर आके किसका निशान, मैं शमा फिरती हो सिमिलर कई फिल्मों में आपने देखा होगा बस सोलो यूज ऑफ रेसो रेसो विजय अरे हे ला 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 इंटरेस्टिंग चीज इस इंस्ट्रूमेंट की रेसो रेसो या पॉपुलरली रेशो कहते हैं, ओरिजिनल जो पहला इस्तेमाल हुआ था 1950s से वो दूधी का बनाया हुआ था, दूधी का, उसके वो अराउंड 82 तक चला और फिर 82 के आसपास
सूरत में एक शो के लिए सब जब गए थे तब ट्रेन से उतरते वक्त वहां भूल गए और मोस्टली अमृतराव काटकर जी उनकी टीम थी वो भूल गए, तो इमीडिएटली बांबू से एक बनाया और उसे इस्तेमाल किया कई रिकॉर्डिंग्स में। और फिर 83 के बाद मेटल का बनाया हुआ रेशो जो सनम तेरी कसम में इस्तेमाल किया गया, तो ये रेशो रेशो भी एक अमर हो गया पंचमदा के कंपोजिशन। विजय इंदुरकर जी, विजय इंदुरकर ही वाज लाइक द साइंटिस्ट, साइंटिस्ट ऑफ मेकिंग इंस्ट्रूमेंट, वो सब ये बनाते थे। ये विजय इंदुरकर जी ने बनाया हुआ है स्टील, स्टील का रेशो, ये जो मेटल वाला जो जिसका हम जिक्र कर रहे थे, दिस वॉज मेड बाय विजय इंदुरकर जी। अ बिग हैंड टू हिम प्लीज। द नेक्स्ट इज द यूज ऑफ डुग्गी एंड मादल। ये डुग्गी जो इंस्ट्रूमेंट है हमारे उमीदा की स्पेशलिटी थी और इस गाने में बहुत खूबी से आर डी बर्मन और मारुति राव ने ये यूज किया। आज हमारे रिदम सेक्शन सही माने में फ्रंट रनर है हमारे सिंगर्स और हम सभी उनको बैकग्राउंड दे रहे हैं, एकम्पनी कर रहे हैं। एक खास बात, मादल है जो हमारे कांचा दा बजाते थे कंचनदा के पास, और एक याद कांचा दा ने रंजीत गजमेर साहब जो नेपाल से आए थे और जब इस टीम ने उनको देखा था तो उनको यहाँ पे इनवाइट किया था, उन्होंने एक बात बताई थी कि ये जो मादल इंस्ट्रूमेंट है इसके लिए वो परमानेंटली पंचमदा के टीम में तब से ही शामिल हो गए और हरे रामा हरे कृष्णा के वक्त से। और एक ऐसा समय था जब कुछ महीनों के लिए बीमारी की वजह से वो घर से निकल नहीं पा रहे थे, तो रिकॉर्डिंग अटेंड करने का सवाल ही नहीं था, लेकिन कांचादा ने ये बात बताई कि हर रोज रिकॉर्डिंग के बाद उनके घर पे पंचमदा की टीम से एक स्टाफ मेंबर आता था और रिकॉर्डिंग का जो अमाउंट उनका होता है वो देता था, लेकिन उससे बड़ी बात उस सेशन में जो ओवर टाइम होता था वो भी उसमें ऐड करके आता था। मतलब जो इंसान हाजिर ही नहीं है उसकी पेमेंट तो आ ही रही है, लेकिन जो सेशन का ओवर टाइम हुआ वो होते तो ये ओवर टाइम उनको भी लागू होता था, और इसके बारे में कहीं भी कोई जिक्र नहीं। और उनकी बीमारी का भी पूरा खर्चा ऑफकोर्स पंचमदा ने किया, जिसका जिक्र वो नहीं कहीं करना चाहते थे, लेकिन ये खुद कांचादा ने रविंद्र नाट्य मंदिर के स्टेज पे बताई थी। तो एक बार जोरदार तालियां उस टीम के इस प्यार के लिए। बिग हैंड फॉर विजय जाधव प्लीज, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिदमिस्ट आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ एंड ही इज आल्सो वर्क्ड विद आर डी बर्मन। गाना जो आई जस्ट कांट इमेजिन ये रिदम कैसा, हाउ कैन दे थिंक लाइक दिस, कि मैंने एक ही गाना मुझे मालूम है जिसके अंदर रिदम में देयर इज यूज ऑफ ओनली ड्रम्स, ओनली एंड ओनली ड्रम्स। सो लेट्स एंजॉय एंड दिस इज वेरी वेरी रोमांटिक सॉन्ग। इसमें एक एटीट्यूड जो है हीरो का उस एरा का वो नजर आता है। सो लेट्स एंजॉय दिस। Thank you.
Anit and Kishore Da ka ye kamal ka duet. And now, before the next song, another AV where some of the stalwarts are talking about this team. ऐसा पेशकार वाजवता पटकन एक आवाज मोटा आला, क्या बात है, छोटा मुंह बड़ी बात कर रहे, अरे किसका शागिर्द है? क्या तो लोकानी संगले मारुतिराव का शागिर्द है? अरे मारुति भैया क्या बात है, क्या सबक सिखाया इनको? थोड़ा सा भैया रहे लेकिन कितना अच्छा बजा रहे बोल रहे। कभी कभी बोलते असर ट्राई करूं बग, असर ट्राई करूं बग, और रियली वो ऐसा रिदम के साथ मैच हो जाता था। वो उनकी खूबी थी। तबले के मीठे बोल, स्थिर लय का और प्रसन्न प्रफुल्लित थे का, ये कमाल मारुति राव जी के रिदम अरेंजमेंट और तबले का था। रिदम आर्टिस्ट बोलना नहीं चाहिए, ही इज अ फैंटास्टिक म्यूजिशियन। ऐसा नहीं, रिदम उनके तबले में तो मेलोडी भी थे। अभी कभी सुनो उनका तबला तो ऐसा लगता है तबला गा रहे गाना। मुश्किल शब्दों के वजन तले दबा और सुरों के बेचोकन में खोया गीत कभी सिने प्रेमियों के जुबान पर नहीं चढ़ सकता। जरूरी है कि शब्दों में सहजता हो, धुन ऐसी हो कि हम बार बार उसे गुनगुना सके, और रिदम का प्रवाह ऐसे हो कि हम बैठे बैठे ताल दे। बहुत खूब। और अजीत एंड शैलजा पेश करने जा रहे हैं एक डुएट, जो एक और खूबसूरत उदाहरण है कि इस टीम वर्क से हमें क्या अनमोल मोती मिले। एक ही गाना और टू डिफरेंट रिदम अरेंजमेंट्स, जस्ट अमेजिंग। जब तक ट्यूनिंग चल रही है, मैं आई पर्सनली वॉन्ट टू थैंक विजय शिवलकर, ये मेरे भाई जैसा है, और ही हैज ऑल्सो टेकन सो मच एफर्ट्स टू यू नो ऑर्गेनाइज दिस शो। और आपको बता दूं कि ही इज द वन ऑफ द मेन रिदमिस्ट ऑफ सोनू निगम, और सोनू निगम के साथ इज देयर फॉर ऑल द टूर्स। एंड ये शो के लिए, इस शो के लिए विजय ने सोनू निगम के दो फॉरेन शोज छोड़े, बाकी पूरी टीम वहां गई है। एंड विजय स्पेशली अजीत देवल के बहुत थैंक्स है कि पहली बार मारुतिराव जी का शो यहाँ पे मुंबई में कर रहे हैं, इसलिए बहुत अभी अजीत बहुत तेरा धन्यवाद। ये सब म्यूजिशियन का भी नहीं नहीं बट इट्स अ बिग थिंग टू लीव टू शोज ऑफ मलेशिया एंड सिंगापुर फॉर दिस पर्टिकुलर शो। आई हैव नेवर सीन दिस।
चाहते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार हम अब दो छोटे एवीज बैक टू बैक देखेंगे। एक में मारुतिराव जी की आवाज को एक इफेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया, उनकी खुद की आवाज हम सुनेंगे पर्दे पर। ना 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 हमारा कोई कोरा, ना हमारी कोई चोरू, ना हमारा कोई कोरा, ना हमारी कोई चोरू। अरे दैत्य दिशा मेलो पीरे यारो हमारा क्या चलते जिस चाहे। ये शायद एक ही गाना है या यहाँ पे हम उनकी आवाज सुन सकते हैं? बिल्कुल, बाकी उनके इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज से ही हमारी जिंदगी बनी है। नेक्स्ट एवीबी Thank you.
वेस्टर्न और इंडियन दोनों का ऐसा कॉम्बिनेशन और कहीं पे भी हमें पता नहीं चल रहा कि कहाँ कौन सा शुरू हो गया ये फ्लो, और इसे पर्दे पर भी पेश करने वाले जो आर्टिस्ट हैं हिमा जी, परवीन जी, ये भी एक कमाल है। आताफक्त आलिया भट्ट नेचुरल अदाकारी जो है वो हमें देखने को मिलती है आज भी, बहुत अच्छा लगता है। और अब ऐसा ही एक वेस्टर्न धमाल। Thank you.
अजय जी का सजेशन था, इसलिए मैं थोड़ी हिम्मत कर रहा हूँ किरसी साहब से पूछने के लिए कि इसमें जो बुलेट का इफेक्ट था वो निशानेबाज सामने बैठे हैं और उन्होंने बहुत छोटा सा एक ऐसा नॉड करके हाँ कहा है, तो इसलिए ऑथेंटिक होगा. गिव हिम अ वेरी बिग हैंड. और इतने सारे जनरेशंस ऑफ म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक एंड इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने देखे, और वोकोडर जैसा जब पहली बार एक इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आया उसको भी इन्होंने लाया, और उससे जो मेटालिक इफेक्ट पैदा करते थे वो सब कमाल उन्होंने किया. एक दक्षिणा मोहन जी जो तार शहनाई बजाते थे उनको दुखी दादा बोलते थे, क्योंकि ज्यादातर दुखी प्रसंगों में ये तार शहनाई बजती है भारतीय फिल्मों में. आजकल इतना रहता नहीं, दुख तो जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन उस जमाने में ऐसे प्रसंग होते थे तो उनकी आवाज को उनको दुखी दादा कहते थे. दुखी दादा, दुखी दादा, ये वर्ड को भी वोकोडर से पास करके उसका भी एक इफेक्ट बनाया गया था, और पंचमदा की टीम में एक बहुत ही अच्छा एक तरह से जोक बन गया था. दे यूज्ड टू एंजॉय दिस ग्रेट मोमेंट्स. केसीदा इज द विटनेस फॉर ऑल दैट. और अब I am fortunate every time ki Kirsi ji always comes for my show. He's worked for 60 years I think, or maybe more than that, in this industry at the topmost level. And kaise ho sakta hai mujhe samajh mein nahi aata. He could play anything. Like ek musician drums bhi bajata hai, ek musician accordion bhi bajata hai, which I can't imagine. Kirsi ji has played I think all the instruments. Bongo, xylophone. Sorry. Yeah. Yeah, sure. This was around the time McInnes goal came. And if you remember, beginning bullet sound is there and ricochet all around. So Pancham was very fond of it and he wanted that. So I took out from the synthesizer, Mini Moog, through the end. But that effect doesn't come here, no, because rhythm is going on. No? Thank you. Before we come to the end of the show, it's very important that I introduce to all these great musicians. Inke bagair ye show karna is just not possible. One of the finest guitarist of our industry, very senior guitarist, is Suresh Iyer. You can see him playing sometimes lead guitar, and now today he's playing his bass so wonderfully. Thank you, Suresh. Unke next generation ke guitarist unke baju mein baithe hain. Ajay Pandey inka naam hai. उनका एक पेटने में जो हम लोग, मैं पब्लिकली बोल नहीं सकता, बहुत खतरनाक नाम है वो, एडल्ट नाम है. नितिन जाधव, अगेन वंडरफुल कीबोर्ड प्लेयर. नीलेश देवस्थली, ये संत आदमी है, संत लोग हैं. नंदू आंबेडकर, एंड एज आई टेल एवरी टाइम, दिस इज द सैक्सोफोन विच मनोरिदा यूज टू प्ले इन हिज रिकॉर्डिंग्स. दिस सैक्सोफोन इज originally Manoridas saxophone. Nandu Ambedkar, and again one of the finest flutist of our industry. I think inka jo R.D. Barman ka knowledge hai, ye main uske 50% bhi nahi hu mere jitna mujhe samajh mein aata R.D. Barman, aisa mujhe hamesha lagta hai. Mohit Shastri, we have already introduced. Prasad Malankar is my school friend. Hum log junior KG se ek class mein the, school mein main tabla bajata tha, इसको कोई पूछता नहीं था, पर आज वो. वासु मात्रे, हरि ओम. अगेन वेरी यंग एंड वेरी टैलेंटेड तुम्बा प्लेयर फ्रॉम जोगेश्वरी. ये जोगेश्वरी गैंग एक है यंग म्यूजिशियंस की, दे आर ऑल अमेजिंग. समीप पेडनेकर, अजय पांडे इज ऑल्सो फ्रॉम जोगेश्वरी, एक जोगेश्वरी गैंग है यहाँ पे. आशीष आरोस्कर, अगेन फ्रॉम जोगेश्वरी. One of the finest musician and finest person I've ever met in my life, in my music friends, Shri Deepak Borkar. और ये इतना सा instrument लेके यहाँ पे octopad बैठे हैं, which is not easy to play all these instruments on one octopad. वो सुर में बजाना is just amazing. You give him any instrument, you give him tabla, you give him dholak, you give him tumba, you give him anything, you give him drums, he can play.
absolutely. Vijay Jadhav. और माने आमचे आजोबा सगळ्यांचे संत शिरोमणी आजोबा आजोबा ऑफ म्युझिक जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्युझिशियन लताजी जी ने कहती थी कि उनका लताजी ऑलवेज वांटेड हिज अकॉर्डिन एंड हर मॉनिटर जो सुर जो मिलता है इज वन एंड ओनली सुराज साठे अपने नाम का सही माने में जिन्होंने जीवन में सार्थ किया इसे एक ही इंसान है सुराज साठे साहब साउंड और साठा पण मोठा है त्यांना सगळी गाणी माहिती असतात ये स्टँड जो रहता है वो लिस्ट के लिए रहता है ये स्कोर के लिए नहीं रहता है कभी और साउंड एज यूजुअल हमेशा मेरा जो करते नितिन एंड इज अनुरुचिर अजय इज नॉट सीन टुडे आई थिंक ऑडियो विजुअल इज ब्यूटिफुली हैंडल्ड बाय संदीप उनावणे लाइट राजेश पंडित डावऱ्या झोपला एंड इनके बगैर मैं कोई भी शो नहीं कर सकता इज द वन ऑफ द मोस्ट सिंसियर पर्सन आई हैव एवर सीन इन ऑल द स्टेज शोज अजय मदन वेरी स्ट्रिक्ट गुरुजी एंड अ वंडरफुल कंपेयर व्हिच वी हैव टुडे श्रीकांत राव थैंक यू डॉक्टर साहब आई एम आल्सो नॉट फ्रॉम जोगेश्वरी बट वेरी नियर बाय गोरेगांव दिंडोशी नेक्स्ट टू शांताराम तलाव थैंक यू And to the climax now with a medley. लेकिन उसके लिए मारुति राव कीर साहब के सम्मान में जोश रिदम का आपसे भी हमें चाहिए क्योंकि ये क्लाइमैक्स है और इस टीम के साथ एक आखिरी ऑडियो विजुअल मैं दिखाना चाहता हूँ अशोक पत्की जी ने मारुति जी के बारे में एक कुछ छोटी सी बात कही है विच इज सो इम्पोर्टेंट कि वो कैसे इंसान थे और कैसे छोटे छोटे नए नए म्यूजिशियंस को हेल्प करते थे छोटा सा लास्ट ऑडियो विजुअल मारुती रावमुळे आज ह्या घडीला मी ज्या मुक्कामाला आहे तर ते त्यांच्यामुळे झालेलं आहे वडिलांना नोकरी नाही किंवा गरिबी आहे अशा लोकांना कुठेतरी चुकचुक वाजव रे कुठेतरी टुंग वाजव टिंग वाजव काय तर चार पैसे त्यांना मिळतील त्यांच्या कुटुंबाला हा त्यांचा एक मोठेपणा होता प्रत्येकाला इन्कम झालं पाहिजे त्यांच्या घरात पैसे पोचले पाहिजे हा एक त्यांचा मोठेपणा होता रिअली अ ग्रेट ह्युमन बिईंग And great artist, as a combination, Zalem Ulitz, he team as great Zalem. So let's go for the grand climax. Jin ke bagar ye ho nahi sakta, wo patta shish Maruti Rao Kir saab ke Vijay Shivalkar. Dhanyavaad. Thank you.
जिंदगी मिलके बिता